जैसा मत दियो, जो माँ का इल्यूजन होता है ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। तेरे पापा हाँ में उड़ते हैं कि तेरी माँ मुझसे किट्टी है, अब देख किट्ठे का कितना फायदा नजर आ रहा है। दूसरी बारी गई हूँ और अभी भी कुछ नहीं हुआ। राउंड राउंड फीलिंग, राउंड राउंड पॉजिटिव वाइब्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है बेदी फैमिली व्लॉग। तो आज का क्या प्लान है? आज का प्लान बहुत खूबसूरत है। वाह क्या सीन है, लेकिन वो आपको पता लगे आगे ब्लॉग्स में देखने के बाद। सो गाइस, इस ब्लॉग में बने रहिएगा क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, स्पेशली फॉर किड्स। Yes, both of them exciting. We are so excited. और आज क्या तारीख है और क्या दिन है वो भी बता देते हैं। आज है मंडे और आज है 6 November. अरे कहना क्या चाहते हो, क्या तारीख है आज? बच्चे एक्साइटेड हो गए कि 6 December को 6 November बोल बैठे। बेटा तरक्की पे हो, तरक्की पे हो। ऐसी तो तरक्की होगी ब्लॉग में। नहीं, आज 6 December, आज मंडे का दिन है और प्लीज इस ब्लॉग में बने रहना। और गाइज, आज मैं स्टार्टिंग में कह देती हूँ कि गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, तभी तो बुरा लगता है भाई। आप लोग भी लोग अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे और कमेंट करके बताना कि आपको आगे कैसी व्लॉग चाहिए और हम कहाँ कहाँ जाए। वैसे और, दो और तीन लोग इतनी मेहनत जो है हम सब आपके लिए ही कर रहे हैं। हाँ, हमें सिर्फ आपका प्यार, आपका साथ चाहिए। बिल्कुल। और गाइस, वैसे दो तीन लोगों ने हमसे प्रैंक वीडियो, हमारा हाउस टूर, काफी कुछ डिमांड तो करी हमारे कमेंट सेक्शन में। सो इसी तरीके से अगर मेजोरिटी ऑफ रहेगा कि हाँ मतलब लोगों को ये चाहिए कि देखना है हमें इस वीडियो में, अगले आपके वीडियो में, सो हम पक्का वो वीडियो बनाएंगे, पक्का। सो पूरा पूरा पक्का। स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, बाय। सो हम लोग जा रहे हैं सीपी नॉट प्लेस और म्यूजियम ऑफ इल्यूजन, राइट। सो गाइस कमेंट करके बताना किसने ऑलरेडी देखा हुआ है और किसने अब तक नहीं देखा है। सो हम जा रहे हैं और अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। सो टाइमिंग वैसे तो उसकी 11 से लेकर रात को आई थिंक 8 बजे तक है। सो वहां जाके देखते हैं हमें टिकट मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है क्या नहीं। बट यस, मेरा तो बहुत टाइम से मन था वहां जाके देखने का, क्योंकि मैंने उसकी बहुत सारी लाइक बातें सुनी है, लाइक व्यूज सुने मैंने उसके, देखे हैं लाइक बहुत अच्छे हैं और बच्चों के लिए फुल ऑफ फन है, इवन हम लोगों के लिए भी कुछ नया एक्सपीरियंस है वहां पे। सो चले चलो, और गाइस व्लॉग के एंड तक देखना ताकि हम आपको अपना रिव्यू बताएंगे कि वो जाने के लिए नहीं नहीं वो नहीं है, वो मोम वाले नहीं है, वो जो होते हैं। अच्छा, वो नहीं है, इल्यूजन है, मतलब लाइक 3D इफेक्ट देता है। सो अच्छे अच्छे फोटो खींचते हैं ना, लास्ट तक देखना ताकि हम आपको बताएंगे कि ये वर्थ इट है जाने लायक या नहीं। वैसे तो गाइस आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो उसके बारे में। प्रकाश चौक से नागर राउंड अबाउट टेक द सेकंड एक्सिट ऑन टू शंकर रोड। स्टे ट्यून्ड, सॉल्यूशंस आने वाले हैं, 4 मिनट्स रह गए हैं एंड वी आर सो एक्साइटेड। आई थिंक सो गाइस, दिस इज म्यूजियम ऑफ इल्यूजन। ये देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये देखिए ये रहा, राइट। सो पहुंच गए हैं, वी आर एक्साइटेड जैसे मैंने कहा था। चले पापा, सो चले गाइस, आप यस बहुत मजा आने वाला है। कमल हेलो, पता कर ले टिकट। यस लेट्स गो। एक बार बता देते हैं, 500 किड्स के लिए लिखा हुआ है ना वैसे भी, राइट। एंड फॉर एडल्ट्स, अच्छा ऑनलाइन बुकिंग जो है थोड़ी सी सस्ती पड़ती है इससे ना, 520 की। वैसे अगर आप यहाँ कैश लेने आते तो ऑनलाइन बुकिंग वो कर रहे हैं हस्बैंड, अगर हम यहाँ ऑनलाइन बुकिंग करते तो 590 है, नहीं तो अंदर जाएंगे तो 650 की है ये फॉर एडल्ट्स, राइट। ठीक है ना, ये गाइस एक्चुअली में ट्विस्ट आएगा जब हम फोटो ट्विस्ट करेंगे तो म्यूजियम ऑफ इल्यूजन हम
पिक को टेढ़ा करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने ऑटो को उठाया हुआ है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। आप देख रहे हैं, गाइस मे बी आपको क्लियर हो रहा हूँ, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड 3D इफेक्ट। बीच में आ जाए करो, तुम बताने बहुत कुछ दिया करो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? ये आप देख रहे हैं क्या इफेक्ट आ रहा है, ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड 3D इफेक्ट। ये तेरा पार्ट हो गई, बॉडी कहाँ गई तेरी? बॉडी अब मैं भी आऊंगी। चलो तू भी जा। माय गॉड, बॉडी गायब हो गई। ओह माय गॉड, आपके भी फेस कहाँ चला गया? मेरे बच्चे का फेस कहाँ चला गया? ओह माय गॉड। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। हमारी बॉडीज का बोला था, हमने उनको भी गायब कर दिया। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। चलो अभी लाते हैं, ठीक है? 1, 2, 3 इनकी बॉडी पैक लाते हैं। देखो 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 आ गई मम्मी, मम्मा देखो आपकी बॉडी आ गई ना। अब पापा की काटते हैं। पापा से ली मैंने दुश्मनी, पापा से ली मैंने दुश्मनी। मेरे माल का बचाओ, नहीं हम कलयुगी ठीक है, हम कलयुगी ठीक है। मेरे पति देव स्वामी बाहर आ गई है, स्वामी जो मेरे पति देव। बताओ ना पापा, बताओ कैसा लग रहा है? पापा गजब बेइज्जती है। बताओ कैसा लग रहा है, शरीर वापस आ गया? क्या ये अच्छा लग रहा है? अच्छा बातें भूल गए। चले और ये क्या है, फोटो खींचो। हो ही नहीं रहा था लीन से। चल चल ऊपर चढ़, वहाँ पे चेयर है गाइस, वहाँ पे हवा में उड़ता जाए मेरे लाल। मुश्किल हो रही ना पीछे करने में, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। नाइस, ये देखो इंफिनिटी रूम। मैंने इसके अंदर ये है कि हम टू में ही दिख रहे हैं, एक्चुअली हम हैं सिर्फ चार लोग और यहाँ पर कम से कम दिख रहे हैं मेरे ख्याल से इन्फिनिटी इन्फिनिटी। कितने सारे लोग नजर आ रहे हैं हम लोग, जबकि हम हैं नहीं इतने सारे, जस्ट इस रूम के अंदर सिर्फ चार लोग हैं, आप देख सकते हो।
एक्सरसाइज योर ब्रेन सो मे बी इट्स अ लाइक गेम फॉर किड्स उनका माइंड देखने के लिए कितना शार्प है निकम्मा कुछ कर लेना माँ की इज्जत रख लेना कुछ कर लेना बेइज्जती मत कराना माँ की नहीं करेंगे पक्का हम आपका नाम रोशन करेंगे यस तुमसे ना हो पाएगा मेरे तो आना मोले तन कॉफी का राइट बस एवरी टाइम इसे कभी है कभी नहीं ओके बस इस गन में एक नाम एक चीज है नाम चेंज हो गया कितना समझ में आया कमल को इसमें क्या करना है इट्स लाइक अ चाइनीज गेम मेरे को पता है इसका नाम बताना फिर ज्यादा मुझे है ना ना पूछो तो जाने पूछो तो जाने अच्छा पास से देखो तो उसमें कुछ दिख रहा है ऐसे जाओ तो कुछ नहीं दिखता पास से देखो तो गाइस देखो उस पर दिख रहा है रविंद्रनाथ नहीं नहीं नो नो इट्स ओके पास से जाओ तो दिख रहा है रेनबो रेनबो कुछ आ रहा है लाइक कलर ना ओके व्हाट इज दिस बट कलर ब्लू मास्क इज मैंडेटरी हियर मैंडेटरी है लेकिन जब आप फोटो खींच रहे हो तब इट्स लाइक कोई बात नहीं तब कर सकते लेकिन वैसे इट्स मैंडेटरी मैंने भी लगाया लेकिन मैं तो जाकर फोटो खींच ली चलो गो इनसाइड दिस इज एक्चुअली लाइट का जो रिफ्लेक्शन है सो ये भी देखोगे तो कैसे लाइक है ना इल्यूजन इल्यूजन क्रिएट कर रहा है जैसे बहुत सारे बहुत बड़ा एक रूम है रूम नहीं है दिखाते रूम नहीं है ये दिस इज एक्चुअली यस सो ओके नाइस ये है कार्ड वाला है ना क्लोन टेबल यानी कि यहाँ से आएगा और चारों तरफ आप ही दिखोगे कि आप अपने आप से खेल रहे हो नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऐसा ही है ये वीडियो बन रही है फिर बीच में आ गई तू हमारा काम है बीच में आना हमारा काम है बीच में आना कुछ भी निकम्मा अलग से कभी शूट भी करने दिया करो रोशन करेंगे बीच में इंटरप्ट करके यस बड़ा अच्छी वाली मीम डालूंगी इसमें तगड़ी वाली तो मैंने एडिटर तो मैं हूं मैं यहां से आकर दिस इज लाइक तो यहां पर क्या है ना हां हम जैसे इसके पास आ रहे हैं ये सीढ़ियां जो बना रहे हो सकता है आपको कैमरे में अच्छे शो ना हो रहा है लेकिन सच में ऐसा था जैसे ना एज अ स्टेयर्स चढ़ते हैं ना तो हम पास पास जा रहे हैं और ये बेंड हो रहा है इल्यूजन जैसे मतियो जो माँ का इल्यूजन होता है ना वो जो पड़ता है ये वाला अच्छे वाला क्यों सही कह रही हो ना कमेंट करके बताना तो मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगी बिल्कुल ऐसी लगती नहीं ऐसी बच्चों को तो पढ़ती है कल मैंने एक जोक सुना था उसमें कहती है माँ उसको कहती है देख बेटा मैंने एक सैंडल लेके आई बेटी कहती है अच्छा मम्मी ये तो मेरे को बहुत बड़ी है बेटा पहनूंगी तो मैं खाएगी तो ये क्या था यार गलत बात है क्या होने वाला अभी है मेरे मेरे के खेलने का फायदा हो गया इस सूट के लिए मुझे झुकना पड़ेगा आदमी को हमेशा झुकना ही क्यों पड़ता है झूठ बोल रहे हो आपका हाँ कल मम्मा ने एक रील बना के डाली थी उसमें सब कह रहे थे कि मम्मा छोटी लग रही है लेकिन मम्मा है नहीं पता नहीं ये है क्या चलो अभी आपको क्लिक दिखाएंगे ना तो हम आपको पता लगेगा ये है ओ अच्छा आधा आधा फेस आ रहा है गर्दन मम्मा की आई जी मम्मा की यहाँ से दिख रहा है गाइस देखो सही दिख रहा है ना यार सही है नाइस
ओके देखो आएगी अर्धांगिनी इमेज, आधी आएंगे आधी मैं, ठीक है। और ना इनको झुकना पड़ा गाइस, एक दूसरे को तंग करके कितने खुश होते हैं। बेटा देख ले किट्ठे होने का भी फायदा है, तेरे पापा हवा में उड़ते हैं कि तेरी माँ मुझसे किट्ठी है। अब देख किट्ठे होने का कितना फायदा नजर आ रहा है यहाँ पे, लंबों को झुकना पड़ता है देख लो। गाइस जो भी हमने आपको ये दिखाया ये करी अपनी क्लिक्स हॉरिबल आपने देख ली होंगी, हॉरिबल था अच्छा ही लगा। पर फिर भी अभी एक और दिखाते हैं आपको, उड़ रही है हवा में, कैसे उड़ रहा है बताओ कोई मुझे। गाइस यहाँ पर ना ये देखो ये स्क्वायर है, ये देखो ये शीशा, मेरा क्लोन आ गया मम्मा, और ये देखो हाँ जी यहाँ से ये क्यूब, ये यहाँ से वो है कौन कौन सॉरी इट्स लाइक ट्रायंगुलर पिरामिड और ये स्क्वायर पिरामिड, कैसा लगा? हाँ देखो चक्कर आ रहे हैं देख देख हमेशा चक्कर ही आते हैं भाई, चक्कर ही आते हैं, बिन पिए चक्कर आते हैं को। चलो अरे पापा चलो चलो दे यार रुक दे नहीं चलो 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 देखो ये क्या लग रहा है अच्छा दैट्स लाइक अ फ्रेंड्स एंड ही इज लिटरली बहुत ज्यादा ना लाइक सर घूम रहा है ऐसे लग रहा है ऐसे सच में लग रहा है ये। हां तू भी जा जाओ पीछे जाना इधर देखो मैं यहां जो है करो चक्कर आ रहे हैं नीचे तो नहीं जाया जा रहा है, मैं बिना हेलमेट के भी खड़ी हो सकती हूं, ऐसा लग रहा है पूरा ही मार सकती हूं। अरे वो उधर से एग्जिट उधर से आ जाओ मैं तो नहीं समझा, मैं तो इधर निकल गई। गाइस इसकी जो एग्जिट है वो यहां से है, ओह माय गॉड चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं पैसे बर्बाद हो रहे पैसे वसूल करा गया। एक और बार तो ये वन टाइम आने वाला, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं है, बट ये अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये वाला सबसे अच्छा था जो कि रिवॉल्विंग था ना जहाँ पे चक्कर आते हैं, सबसे बेस्ट वोर्टेक्स टनल, वोर्टेक्स टनल ऐसा लगता है जैसे आप जिस पर खड़े हो ना वो ऊपर हो रहा है, वोर्टेक्स टनल मैं 10 मिनट तो खड़ी हुई मुझे पता है। हाँ बहुत बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था अंदर खड़े रहना ना 2 मिनट भी, मेरा तो सर भारी हो रहा था, नहीं मेरे से खड़ा नहीं होया जा रहा था। लगा बच्चों आप फन करके एंजॉय करें। नहीं नहीं एक्चुअली मैं फीडबैक बताऊं, सर चक्कर आ रहा ना, सर चक्कर आ रहा है, सबसे बेटर वन यही था, बाकी सब बेकार है। अरे ये पूरी देसी बोतल चला ली है पंजाब जाके ऐसा लगता है।
वसुलीन हंस ही नहीं है, वसुलीन को हंसाऊंगी दीदी पता है मैं बिना हाथ पकड़े किसी हैंडल का मैं चल रही हूं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। बट आई लव यू, आई लव यू टू। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओके ओके, जो ये लिखा है वो नहीं बोलना, दैट मींस ग्रीन रेड, ओके ग्रीन रेड येलो ब्लू, नहीं ग्रीन रेड ब्लू, ग्रीन रेड पर्पल येलो ब्लू ब्लैक रेड येलो पर्पल ब्लू ग्रीन और ब्लैक रेड ओके बारी 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 अच्छा मैं पंजाबी बोल रहा हूँ, हरा लाल नीला, पीला नीला काला, पर्पल लाल नीला हरा, काला लाल पीला, हरा नीला काला, नीला लाल हरा। ठीक है, पंजाबी मिक्स कर मैंने फोकस कर दिया, ओए मेरा सारा फोकस हटा दिया तुमने। ओके इसको मेरे को इसको बीच वाले को देखना है, देख लिया, देखो पिंक हो रहा है उसका कलर डॉट का जो चल रही है और तेज होती जा रही है। हाँ फिर भी ठीक था वो जो टनल वाला हमने दिखाया जिसमें हम तीन चार दो तीन बारी गए। अब हम लोग आ गए हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। हमने कहा अगर हम कनॉट प्लेस तक आए हैं तो गुरुद्वारा बंगला साहिब तो आना बनता है। और सेकंड पर्पस एक्चुअली यही था, फर्स्ट पर्पस यही था, ये लो तो चलो कवल कवल अब निकालेगी स्टॉल। मुझे हमेशा ये दीदी फिसलने वाला दे देती है, ये क्या करो बेटा, जो स्टॉल चाहिए वो ले लो, मेरे को मेरा दो, मैं ये वाला लूंगी, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता, बस तुम लड़ाई झगड़ा ही किया करो, बस जिसके लिए जो आया वो उसको मिलेगा। बेटा पिटने वाले काम कर रहे हो, मैं करूंगी हमेशा, हमेशा छीनती है, घर में भी छीनती रहती है। ओए होए कितना सपोर्ट करती है तो कैसे नहीं बोलते बेटा, बाकी हाँ भाई जिसका जो आया देख तेरा ही आया था ना, तेको ही लेना पड़ेगा। मैं थोड़ी ना आई हूँ अपने लिए चूज करके, बीबी मैं लाई थी ना, आप लाए थे ना, अच्छा मेरे को सॉरी बोलना चाहिए फिर तो। पहली बात आपने कहा दोनों मिलके कोई भी यूज कर सकते हैं। हाँ ये तो है, चले अब गुरुद्वारे चले, इसने अपना एक ही यूज करने का बनाया हुआ वो ब्लैक वाला। शांत हो जा मेरे काके, मम्मा पापा मुझे भूख लगी मेरी जान, अच्छा है मैं मेरे बच्चे को भूख लगी है, इसके बाद चलेंगे ना। हाँ सिरदर्द भी हो रहा मेरा, पहले बाबा के दर्शन कर ले, बाबा जी आशीर्वाद ले लिए मथा टेक के। बेटा सीपी तक आया तो बाबा जी के दर्शन तो करने ही है ना। हाँ कार पार्क कर दी, पार्क कर दी, चले चलो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कितने टाइम बाद आए मंगला साहब, पापा पूछ रहे हैं। छह सात महीने ज्यादा हो गया उससे भी, एक साल हमारे 2020 में। शूज कितनी देर में उतारे थे तूने? 2000 इयर्स लेटर, 1000 इयर्स लेटर। कह रही है शूज ये वाले क्यों लेके आए, मेरे ब्लैक शूज क्यों लेके आए, 12 की कहती है 2000 साल बाद उतारे हैं फाइनली। श्री हरकृष्ण ते आइए जिस जिथे सब दुख जाए, गुरुद्वारा बंगला साहिब कोई ले लो। अरे पता कौन सी वाइब आ रही है, पॉजिटिव वाइब। ये आ गया जोड़ा घर, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो सारे
सो यहाँ पे मिलती है कड़ा प्रसाद की पर्ची, ये गए हैं कड़ा प्रसाद लेने। दर्शन कर लो सारे जो भी ये व्लॉग देख रहे ने। साढ़े अठवें पातशाह जी का गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली विच बहुत सोहना बनया है बाबा जी का। मत्था टेको, मत्था टेको। सो हम आ गए लंगर हॉल में। लंगर हॉल में लंगर हॉल से आ गए हैं, लंगर छक लिया है, जल हमने पी लिया है। सो फाइनली अभी गुरुद्वारा साहब आके दर्शन करके बाबा जी प्रसाद लोकी लंगर छक के वापसी चले। और मम्मा क्या कर रहे हो? टीवी देख रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, रात के पौने 11 हो गए। सो कर दो व्लॉग का एंड फिर। हाँ जी, और गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। एंड पापा कवल अपना रेस्ट कर रहे हैं, हम भी थक चुके हैं, तो मैं आप ही हूँ। ये आ गई तो गाइज कमेंट करके एटलीस्ट बताया करो कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और शेयर और आप हाँ शेयर मैक्स मैक्स कीजिए। बाकी आप हमारे अपकमिंग व्लॉग्स में वीडियोस में क्या देखना चाहते हो कमेंट करो, सो बताइए, उस हिसाब से नेक्स्ट वीडियो हम प्रिपेयर करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, कमेंट एंड सब्सक्राइब।